अगर आप डेट पे ऐसी डेनिम शर्ट पहन के जा रहे हैं जिसमें डिस्ट्रेस ज़्यादा है या वो डार्क कलर के साथ डिस्ट्रेस है, देन जो मैंने ज़ारा से ली थी बट अनफॉर्चुनेटली वो चोरी हो गई थी। इसमें ब्लैक स्टिचिंग डिटेल्स हैं, दो पॉकेट्स हैं, बट इट इज़ अगेन वेरी मिनिमल। वो 499 रुपीज़ में इतनी अच्छी डेनिम शर्ट कैसे मिल सकती? डेनिम शर्ट्स की एक्साइटमेंट समर्स में उतनी ही होती है जितनी डेनिम जैकेट्स की एक्साइटमेंट विंटर्स में। हाय, माय नेम इज़ वैभव केसवानी, योर मिजन स्टाइल कोच, और आज की वीडियो में मैं आपको 5 अलग अलग तरीके की डेनिम शर्ट सिखाने वाला हूँ जो शुरू होंगी 499 से एंड दे विल गो अप टू अ सर्टेन अमाउंट बेसिस द क्वालिटी, डिज़ाइन एंड द ब्रांड। डेनिम शर्ट की सबसे ज़्यादा खास बात होती है उनकी वर्सेटैलिटी। आप उनको बहुत सारी जगहों पर पहन सकते हो बेसिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर डेनिम शर्ट। इरेस्पेक्टिव एज ग्रुप क्या है, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस गोइंग हैं, आप डेनिम शर्ट किसी भी एज में इजीली कैरी कर सकते हैं एंड द गुड पार्ट इज यू कैन ड्रेस इट अप और यू कैन ड्रेस इट डाउन। डेनिम शर्ट खरीदते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको लॉन्ग आवर्स के लिए डेनिम शर्ट पहननी है, लेट्स से 8 या 9 घंटे के लिए, तो उसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मटेरियल काफ़ी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। यही अगर आपको 3-4 घंटे के लिए पहननी है तो शायद वो क्वालिटी, वो मटेरियल उतनी ज़्यादा मैटर ना करे, यू कैन एक्चुअली स्टिक टू द स्टाइल ऑफ अ डेनिम शर्ट। इवन दो ये 500 के 500 डेनिम शर्ट्स हैं, बट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, इनके थोड़े बहुत डिज़ाइंस अलग हैं, बहुत ही मिनिमल चेंजेस हैं जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा पहनने का तरीका, स्टाइलिंग का तरीका एक्सेट्रा चेंज हो जाता है। वंस आई एक्चुअली टॉक अबाउट दीज डेनिम शर्ट्स, आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टाइल इट फॉर यू, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इनको बाद में स्टाइल करना व्हेन यू एक्चुअली परचेज इट। ऑल्सो मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपका बाइंग डिसीजन ईजी हो जाए। नाउ द फर्स्ट डेनिम शर्ट ऑन माई लिस्ट इज़ अ वेरी पॉपुलर डेनिम शर्ट। पॉपुलर इसलिए क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको अपने इंस्टाग्राम की एक वीडियो में स्टाइल किया था एंड अ लॉट ऑफ यू वॉन्टेड टू नो ये कहाँ से है, इसका लिंक चाहिए था एंड टूडे यू आर गोइंग टू गेट द लिंक। अदर देन दैट दिस इज अ वेरी हाई क्वालिटी डेनिम शर्ट, चारकोल कलर है तो वर्सेटाइल भी है, साथ में वाइट स्टिचिंग जो है इसमें और ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स और ज्यादा कैरेक्टर ऐड कर देती है, ज्यादा फैशनेबल लगती है बेसिकली। एंड द टू पॉकेट्स दैट द ब्रांड हैज गिवन हियर एक्चुअली मेक्स इट लुक मोर स्टाइलिश, ज्यादा कैरेक्टर ऐड हो जाता है, बट एट द सेम टाइम एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इन सारी डिटेल्स की वजह से द टू पॉकेट्स, the type of button that the brand has added and the wide stitching, इसकी अपील जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल है। सो इसको हमेशा कैजुअली स्टाइल करना, कभी भी सेमी फॉर्मली या किसी इवेंट के लिए इसको मत पहन के जाना प्रेफरेबली। डेनिम शर्ट सुनते ही सबसे पहले ख्याल आता है एक ब्लू डेनिम शर्ट का, सो द नेक्स्ट वन दैट आई गॉट फॉर यू इज अ ब्लू डेनिम शर्ट, बट वॉट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस वन इज द डिस्ट्रेस दैट द ब्रांड हैज गिवन। एनी विच वे अगर हम बिल्कुल ट्रेडिशनली देखें ना, डेनिम शर्ट्स की वाइब जो है काफ़ी ज़्यादा रॉ और कैजुअल होती है, सो दिस इज वन शर्ट विच एक्चुअली फिट्स द बिल वेरी वेरी वेल। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये डिस्ट्रेस्ड या फिर ज़्यादा वॉश वाली डेनिम शर्ट्स लो, प्रेफर करना थोड़े लाइट टोन्स में जाओ या मिड टोन्स में जाओ, क्योंकि अगर डार्क टोन्स में जाओगे ना तो वो टैकी लग सकती है और उनको स्टाइल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाउएवर इसकी वाइब भी कैजुअल है एंड बिकॉज इसका लाइट शेड होगा तो डिस्ट्रेस वॉश एक्सेट्रा ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होगा। Now this is one shirt I would have loved to wear if I was in college. मैं इस शर्ट को डायरेक्टली भी पहन सकता हूँ, अगर मेरे को इसको लेयर करना है ऑन अ वाइट टी शर्ट इट इज़ गोइंग टू लुक सुपर्ब। क्वालिटी की बात करूँ तो डिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा हाई एंड क्वालिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, स्पेशली फॉर द स्टाइल एंड फॉर द डिज़ाइन दिस डेनिम शर्ट हैज। लास्टली क्योंकि इसमें बहुत ही मिनिमल डिस्ट्रेस है और ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, उसकी वजह से इसकी वर्सेटैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कॉलेज में आप डेफिनेटली पहन सकते हैं, डेट पे जा रहे हो तो पहन सकते हैं, बट अगर आप डेट पे ऐसी डेनिम शर्ट पहन के जा रहे हैं जिसमें डिस्ट्रेस ज़्यादा है या वो डार्क कलर के साथ डिस्ट्रेस है, देन दैट इज़ वन थिंग आई वुड हाईली आस्क यू नॉट टू डू। लास्टली अगर आप इसको एक ब्लैक जीन्स के साथ पेयर कर लेंगे तो आप डेफिनेटली एक पार्टी पे भी जा सकते हैं, कैजुअल पार्टी पे, लेट्स से योर फ्रेंड्स बर्थडे, एंड दिस वन इज़ गोइंग टू लुक डोप ऑन यू। मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा स्टाइलिश डेनिम शर्ट थी एक ग्रे डेनिम शर्ट जो मैंने ज़ारा से ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चोरी हो गई थी। येस, इट वॉज एक्चुअली वेरी सैड, बट व्हेन आई एक्चुअली गॉट टू सी दिस वन आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज दिस वन लुक्स वेरी मच सिमिलर टू दैट वन। ना उसको मैं बहुत ज़्यादा स्टाइल करता था बिकॉज उसकी वर्सेटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उस पर मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, और सबसे ज़्यादा खास बात जो थी एक्सक्लूसिविटी काफ़ी लगती है डिस्पाइट बींग अ डेनिम शर्ट ओनली बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक कलर दीज शर्ट्स हैव गॉट। अगेन दिस इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी डेनिम शर्ट, मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, यू कैन लिटरली वेयर इट फॉर लॉन्ग आवर्स। इसकी वर्सेटैलिटी ऐसी है कि अगर आपको सुबह इसको कॉलेज में पहनना है और रात को पार्टी के लिए पहनना है
दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्सिटैलिटी दिस ग्रे डेनिम शर्ट विल ऑफर टू यू. इवन दो इसमें स्टिचिंग डिटेल्स हैं, काफ़ी सटल है, काफ़ी मेलो डाउन है, अनलाइक द फर्स्ट डेनिम शर्ट जो चारकोल कलर की थी और उसमें वाइट स्टिचिंग डिटेल्स थी जिसकी वजह से वो काफ़ी पॉप होती थी. इसमें ब्लैक स्टिचिंग डिटेल्स हैं, दो पॉकेट्स हैं, बट इट इज़ अगेन वेरी मिनिमल, वेरी सटल एंड वेरी क्लासी. द नेक्स्ट वन इज द वन विच आई कुड नॉट बिलीव कि मेरे को 499 रुपीज़ में इतनी अच्छी डेनिम शर्ट कैसे मिल सकती है. एंड द वन दैट आई बीन टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस वन. नाउ दिस वन इज बाय रिवर. एब्सोल्यूटली लव द मिनिमल स्टिचिंग डिटेल, मस्टर्ड स्टिचिंग डिटेल ऑन अ डार्क ब्लू, लुक्स वेरी क्लासी. साथ ही साथ इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अराउंड द कफ्स, अराउंड द कॉलर, विच एक्चुअली मेक्स इट लुक वेरी प्रीमियम. मतलब अगर आप ये परचेज करोगे और ये पहनोगे ना तो कोई भी कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाएगा कि ये सिर्फ 499 की है. नाउ द डिफरेंस दिस वन हैज़ फ्रॉम द अदर्स इज द फिट. जो मैं आपको बाकी सारी डेनिम शर्ट सिखा रहा हूँ वो स्लिम फिट है, दिस वन इज़ अ रिलैक्स फिट. जनरली मुझे मीडियम साइज आता है, अब इसमें मैंने स्मॉल लिया है. डू द सेम थिंग फॉर योर सेल्फ. इसमें एक्सेस भी आएगा, स्मॉल भी आएगा, मीडियम भी आएगा, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल. क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है फॉर द प्राइस इट इज़ एट, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी लाइट वेट है तो आप इसको लॉन्ग आवर्स के लिए भी पहन सकते हैं. व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज़ द फैक्ट कि ये बिल्कुल आज के ट्रेंड, आज के फैशन के हिसाब से प्रॉपर है बिकॉज ऑफ द फिट दिस वन हैज़ टू ऑफर. इसकी वर्सिटैलिटी थोड़ी कम है, आप स्किनी जीन्स, एकदम स्लिम फिट जीन्स के साथ शायद इसको पेयर अप नहीं कर पाएंगे, बट व्हेनेवर यू गोइंग टू स्टाइल इट यू आर गोइंग टू लुक फैशनेबल, स्टाइलिश एंड डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल. मैंने अभी तक जितनी भी डेनिम शर्ट्स दिखाई आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, या तो उसमें स्टिचिंग डिटेल्स थी, या तो उसमें वॉश था, या फिर उसके बटन्स थोड़े फैंसी थे, एक्सेट्रा. But the one that I'm going to show you now is a clean looking, very classic, super super versatile denim shirt, which is this black denim shirt with a mandarin collar and no extra stitching details. Bahut hi clean, bahut hi subtle aur bahut hi zyada sharp look hai. Especially because of the mandarin collar, it just makes it look very very classy. Ek aur cheez hai, isme sirf ek pocket de rakhi hai, that too without flat. It is an open pocket. So agar isko aapko thoda formally bhi use karna hai, let's say you're going to your office on a Friday, you can tuck this one in and this will definitely fit the bill. इसकी क्वालिटी मुझे पर्सनली अच्छी लगी एंड द बेस्ट पार्ट इज हाउ दिस वन फिट्स. साथ ही साथ इसमें बहुत ही ना सटल शाइन है, दैट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द स्टिचिंग, द वे इट हैज़ बीन स्टिच्ड, तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा प्रीमियम लगती है. और अगर आपको इसको कहीं पार्टी एक्सेट्रा भी पहनना है तो भी आप इसको बहुत ही ज़्यादा ईजीली स्टाइल कर सकते हैं. नाउ दैट आई एम डन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डेनिम शर्ट्स, लेट्स हेड टू द स्टाइलिंग पार्ट. आई होप आपको आपके बजट में एक अच्छी डेनिम शर्ट मिल गई होगी. यू टेल मी इन द कॉमेंट्स विच इज़ द वन दैट यू आर गोइंग टू पिक एंड स्टाइल. एंड वंस यू स्टाइल, मेक श्योर आप वो फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर भेजना, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड लव टू वॉन्ट टू सी. वेल आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, शॉप समथिंग अमेजिंग. आई सी इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश.